हेलो फ्रेंड्स, आज मैं न्यूटन देखकर आया। तो न्यूटन फिल्म की अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ तो टाइटल 32 पे ऐड होता है। 32 मर्क्यूरी का एक पावरफुल नंबर है, बुध का एक स्ट्रांग नंबर है। लेकिन इस नंबर के साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर आप अपनी खुद की बात नहीं सुनते, अपने दिल की बात नहीं सुनते, अपनी खुद की ओपिनियंस और जजमेंट पे आप काम नहीं लेते, तो यह नंबर आपको नुकसान दे सकता है। मतलब आपको अपने मन की बात सुननी है और अपने हिसाब से ही काम करना पड़ता है, दूसरों की बातों में आके आपका नुकसान हो सकता है। तो डायरेक्टर ने यही करा कि उसने अपने दिल की बात सुनी। जो एक स्वीट इनोसेंट फिल्म उसको एक टॉपिक पे बनानी थी, उसने बनाई। उसने फालतू का इसमें मसाला नहीं डाला, कोई आइटम नंबर नहीं डाले, कोई डायलॉग बाजी सिटी बाजी डायलॉग कोई एक्शन नहीं डाले। एक सिंपल ऑनेस्ट इनोसेंट फिल्म उसने बनाई। इसलिए इस फिल्म की न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी है और आपको जान के खुशी होगी। इंडिया की ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर्स के लिए, दंगल को भी हरा के ये फिल्म ऑस्कर्स के लिए जा रही है इंडिया की तरफ से। उसके लिए बधाई पूरी टीम को। तो मैं भी फिल्म की स्टोरी आपको बताता हूँ कि इसमें एक न्यूटन होता है, राजकुमार राव। उसको छत्तीसगढ़ के किसी इलाके में, कुनार इलाके में भेजते हैं वोटिंग करवाने के लिए। और वो नक्सली का इलाका है, माओइस्ट का इलाका है, तो वहाँ पे वो कैसे वोटिंग करा पाता है उसके बारे में ये पूरी पिक्चर है। सबका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है उसमें। वहाँ के विलेजर्स का दिखाया है, वहाँ की मिलिट्री का दिखाया है, इवन न्यूटन का खुद का क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है। सब अपनी जगह सही है, पर इस अजीब सी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो कोई किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। और क्या है, बहुत देखने में मज़ा आता है। तो मैं फिल्म देखने गया, मुझे लगा आर्टिस्टिक फिल्म होगी, फेस्टिवल सर्किट की फिल्म है। हाँ, फेस्टिवल सर्किट में इसको अवार्ड मिले हैं और इंडिया की ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स है, तो मुझे लगा ऑस्कर टाइप की फिल्म होगी, एंटरटेनमेंट नहीं होगा। पर मैं गलत था। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत एंटरटेनिंग भी लगी, बोरिंग नहीं लगी। एक स्माइल आपके चेहरे पर पूरी पिक्चर में, हर सीन में रहता है। इन्होंने बहुत एंटरटेन किया है, बहुत कॉमेडी की है और अपना मैसेज भी दिया है। और इतने बढ़िया बढ़िया सीन्स लेके, इतना बढ़िया स्क्रीन पे, मैं क्या बताऊँ, ये आपको देख के ही समझ में आएगा। तो इस फिल्म में गाना भी है पंची उड़ जा, जो कि जिसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं। डायरेक्टर जो हैं वो अमित वी मसूरकर हैं। इनकी पहली फिल्म थी सुलेमानी कीड़ा, वो भी बहुत अच्छी थी। छोटी सी बजट की फिल्म थी, बट बहुत कॉमेडी, बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी पिक्चर तो एक अलग ही लेवल पे है और ये फिल्म डिजर्व करती है ऑस्कर में जाना। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म इस साल की, आई थिंक इट्स द बेस्ट फिल्म इस साल की जो आई है, जितनी भी आई है। इस हफ्ते इतनी बेकार बेकार मूवीज रिलीज हुई हैं, भूमि और हसीना पारकर, तो उसके मुकाबले इसमें कंटेंट बहुत अच्छा है। और अभी पहले दिन न्यूटन ने 1 करोड़ का बिजनेस किया। आई थिंक धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा बिजनेस करेगी। तो डायरेक्टर को मैं सैल्यूट देता हूँ, उन्होंने बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई है और इंडिया का नाम रोशन किया है। और आपको बहुत मज़ा आएगा फिल्म देख के, एक सेकंड के लिए भी आप बोर नहीं होंगे। थोड़ी स्लो है, थोड़ी डॉक्यूमेंट्री फील है, पर जैसा सब्जेक्ट है तो न्याय तो करना ही था। बिल्कुल अपने उससे भटके नहीं, अटके नहीं, और उसी सब्जेक्ट में बहुत एंटरटेनिंग स्क्रीन के साथ बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने। इसमें एक्टिंग की बात करूं तो राजकुमार राव हैं, वो बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं अपनी पहली पिक्चर से ही। और इस फिल्म में के लिए वो बेस्ट कास्टिंग थे, क्योंकि बहुत ऑनेस्ट, पंचुअल और अपने काम की पूजा करने वाले लड़के का रोल था, तो उसके लिए वो बेस्ट सुटेड थे। क्योंकि उनकी आंखों में ऑनेस्टी दिखती है, जिस तरीके से वो घूरते हैं, बोलते हैं, स्माइल करते हैं, उनका पूरा मैनरिज्म, पूरी बॉडी लैंग्वेज में ऑनेस्टी कूट कूट के भरी हुई है इस मूवी में। अपने कैरेक्टर में घुस गए वो, तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है उनकी, बेजोड़ परफॉर्मेंस है हमेशा की तरह। और इसमें संजय मिश्रा भी हैं जिनका सपोर्टिंग रोल है शुरू शुरू में है, तो वो तो बहुत कमाल के एक्टर हैं। उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है, स्मूथ एक्टिंग करी है, मक्खन एक्टिंग करी है। इस फिल्म के एक और हीरो हैं पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने इस साल गुड़गांव और बरेली की बर्फी में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, पर इसमें तो नॉच हायर है। इसमें तो मेन हीरो ही निकले वो, कई कई सीनों में तो राजकुमार राव को खा गए वो। पूरी ऑडियंस उनके साथ होती, जो उनकी और राजकुमार राव की जुगलबंदी पूरी पिक्चर में चलती रहती है, तो ऑडियंस तो उनको रूट करती ज़्यादा ज़्यादा मज़ा उनको पंकज त्रिपाठी के लिए आता है। पंकज त्रिपाठी का एक डायलॉग भी मूवी में है कि बंदूक है भारी है ना, देश का भार है, हम अपने कंधों पे लेके चलते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि ये पिक्चर का भी जो पूरा भार था पंकज त्रिपाठी के मजबूत कंधों पे दिया हुआ था डायरेक्टर ने, और वो अपने कंधों पे लेके चले। और बहुत ही शानदार अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, इतना एंटरटेन भी किया उन्होंने, क्योंकि उनके कैरेक्टर में बड़ा ईजी रहते हैं, ईज एकदम लेड बैक तरीके से एक्टिंग करते हैं, तो वो बहुत वर्क करा है इस कैरेक्टर के लिए। बहुत ही मज़ा आया उनका। मिलिट्री वालों की एंट्री इतनी धमाकेदार है, एंट्री सीन उनका बहुत अच्छा है। जंगली अंडे खिलाते हैं नाश्ते में सुबह 4 बजे, और बोलते हैं इसे डेंजरस एरिया में मत जाओ। क्या है उनके मैनरिज्म, जब वो बोलता है लिख के दो कि कोई साइन नहीं करेगा, जिस तरीके से वो देखते हैं, क्या एक्सप्रेशन दिए, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्टिंग करी है उन्होंने। फिर इस फिल्म में अंजलि पाटिल है, जो चक्रव्यूह में थी। चक्रव्यूह फिल्म भी माओइस्ट और नक्सल उनके ऊपर थी। उनकी एक्टिंग अच्छी, आदिवासी लड़की का रोल किया है उन्होंने, और गोंदी लैंग्वेज भी उन्होंने बहुत अच्छी बोली है। इस फिल्म में एक और शानदार एक्टर है रघुवीर यादव, जो कि उन दोनों के सामने थोड़े शाइन नहीं कर पाए, लेकिन उनके भी बहुत अच्छे अच्छे सीन है, जिसमें वो बोलते हैं रावण पहला पायलट था इंडिया का, या मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ जिसमें जॉम्बीज होंगे, तो
बहुत कॉमेडी करी है वो, ब्रिलियंट वेटरन एक्टर हैं और मस्त उन्होंने बहुत ही एंटरटेन किया उन्होंने। बाकी सारे एक्टर्स, सारे मिलिट्री वाले, सारे गांव वाले, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। ये इंडिया की बेहतरीन फिल्म है, क्लास फिल्म है। मैं इस फिल्म को 4.5 स्टार देता हूँ। इस साल की बेस्ट फिल्म है, यू मस्ट गो, मस्ट वॉच। मैं इस फिल्म का रिव्यू नहीं बनाने वाला था, फिर मुझे लगा पिक्चर इतनी अच्छी है इसका रिव्यू बनाना बनता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये फिल्म जाके जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।